सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं आईफोन 14 प्रो की अनबॉक्सिंग। आईफोन 14 प्रो इस समय का लेटेस्ट आईफोन है, मॉडल है, और इस समय हमारे पास आ चुका है आईफोन 14 प्रो स्पेस ब्लैक। दोस्तों, ये फ़ोन आज ही लॉन्च हुआ है और मेरे पास आ चुका है पहला मॉडल, जिसको मैं अभी अनबॉक्स करूँगा आपके सामने। इसका डिटेल रिव्यू हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसमें क्या अलग है आईफोन 12 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आईफोन 14 प्रो का बॉक्स है, और जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं, हमें एक शानदार आईफोन देखने को मिलता है। अगर इस बार के आईफोन में आप गौर करेंगे तो जो कैमरा के स्लॉट्स हैं वो काफ़ी बोल्ड हैं, बड़े हैं कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो, और कैमरा बम्प भी काफ़ी ज़्यादा उभरा हुआ है। कलर अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक तो नहीं बोलूँगा, ये ग्रे कलर में लग रहा है। हालांकि एप्पल इसे स्पेस ब्लैक बोल रहा है, अगर आप कलर को ध्यान से देखें तो ये आईफोन 13 प्रो के ग्रे कलर जैसा ही है। इसमें मुझे कुछ भी स्पेस ब्लैक जैसा नहीं लग रहा है। हालांकि अगर आप कैमरा बम्प की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे जरूर थोड़ा कलर ज़्यादा डार्क ब्लैक है कंपेयर टू आईफोन 13 प्रो। चलिए दोस्तों, इसको ओपन करके देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। पहले फ़ोन को साइड में रख देते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिल रहा है लाइटनिंग केबल, यूज़र मैनुअल और एक की, जिससे सिम इजेक्टर की, जिससे आप अपना सिम ट्रे निकाल सकते हैं। थोड़े से पैम्पलेट हैं, ये आईफोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बेसिक इंस्ट्रक्शन है आईफोन की, जो कि आपको इसके अंदर मिल रही हैं। तो और एक एप्पल का आपको लोगो मिल रहा है, जिससे अगर आप कहीं चिपकाना चाहें तो आप चिपका सकते हैं। इसको वापस रख देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको मिल रही है लाइटनिंग केबल, तो ये सेम लाइटनिंग केबल है जैसा कि आपको आईफोन 13 प्रो में मिलती है। आईफोन 12 के बाद के मॉडल्स में चार्जर देना बंद कर दिया है एप्पल ने, और इसीलिए इस वाले फ़ोन में भी आपको चार्जर नहीं मिलेगा, केवल आपको लाइटनिंग केबल मिलेगी और ये सिम इजेक्टर ट्रे मिलेगी और ये फ़ोन मिलेगा। एप्पल का कहना है कि उसने लाइटनिंग केबल के साथ चार्जर देना इसलिए बंद किया ताकि बॉक्स की पैकिंग छोटी हो सके और थोड़ा इको फ्रेंडली बन सके, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो केवल चार्जर को अलग से बेचना चाहते हैं ताकि एक्स्ट्रा पैसे बना सकें। अगर वो चार्जर को इसी के साथ दे देंगे तो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा होगा, लेकिन एप्पल कंपनी को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो सीधे सीधे एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, लेकिन उसे उन्होंने बोल दिया है कि हम सेव कर रहे हैं इकोनॉमिक और इको वेस्ट, तो इसलिए उन्होंने चार्जर नहीं दिया है बॉक्स में। आइए आपको स्क्रीन, फोन की स्क्रीन दिखाता हूँ। देखिए, इसकी फ़ोन की स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो एकदम प्योर ब्लैक स्क्रीन है, और इसका नॉच अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं फ़ोन को ऑन करूँगा तो आपको नॉच दिखेगा, लेकिन इसका नॉच बहुत ही छोटा कर दिया गया है और डायनामिक आइलैंड का फीचर भी उसी के अंदर है। अगर बात करें साइड्स की, तो साइड में ऐसा कुछ चेंज आपको नहीं दिखता है। सिम इजेक्टर ट्रे है, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप और साइलेंट बटन है। अगर मैं इसको आपको इस साइड से दिखाता हूँ तो आपको अनलॉक स्क्रीन के लिए बटन मिलेगा, अनलॉक बटन मिलेगा, और अगर आपको मैं इस साइड से दिखाता हूँ तो इसका बैक आ जाता है। इसके कैमरे बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। इस बार जो उन्होंने मेजर अपग्रेड किया है वो है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। अभी तक आईफोन में इतना बड़ा सेंसर नहीं मिला है, तो ये फर्स्ट टाइम है जब आईफोन में हमें इतना बड़ा सेंसर मिल रहा है, और मुझे लग रहा है कि जैसा कि हमेशा आईफोन में होता है कि इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, 48 मेगापिक्सल के साथ आपको कैमरा क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जब इसका कंप्लीट रिव्यू करूँगा तब आपको बताऊँगा।
अगर इसके फॉर्म फैक्टर की आप बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है, आइडेंटिकल है iPhone 13 Pro के। कुछ ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं डिज़ाइन में। बस अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो कैमरा बम्प थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, और इस बार कैमरा काफ़ी बड़े दिए गए हैं। उसके अलावा पूरा फ़ोन एकदम आइडेंटिकल है iPhone 13 Pro के। अगर मैं इसको नीचे से आपको दिखाऊं तो ये लाइटनिंग पोर्ट है। एप्पल क्लेम कर रहा है कि ये लाइटनिंग पोर्ट जो है आपका पिछली बार के आईफोन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी इसको यूज़ करने पे ही पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको ऑन करते हैं, देखते हैं इसको ऑन होने में कितना टाइम लगता है। मैंने इस फ़ोन को पहले से ही सेटअप कर लिया है ताकि आप लोगों को का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूं और ये फ़ोन सीधे चालू हो जाए। तो देखिए फ़ोन चालू हो गया है, और अब आपको यहाँ पे डायनामिक आइलैंड दिख रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो इसकी स्क्रीन का व्यू बहुत ही प्यारा है, और अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चालू हो गया है। ये इस बार के आईफोन में नया फीचर है कि आपके फ़ोन की स्क्रीन कभी भी बंद नहीं होगी और इसका डिस्प्ले हमेशा ऑन रहेगा। इस बार की खास बात यह है कि एप्पल क्लेम कर रहा है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद भी इस फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो iPhone 13 Pro से बेटर है, लेकिन ये हम यूज़ करने के बाद ही जान पाएंगे। जब इसको 2-4 दिन या 2-4 महीने यूज़ करेंगे उसके बाद पता चल पाएगा कि एप्पल के इस क्लेम में कितनी सच्चाई है। देखने में फ़ोन बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इवन दो अगर आप ध्यान देंगे तो स्क्रीन की ब्राइटनेस लेवल बहुत कम हो चुकी है ताकि ये कम से कम बैटरी खाए और बैटरी ज़्यादा यूज़ ना करे, और जैसे आप इस पर टैप करेंगे स्क्रीन की ब्राइटनेस वापस आ जाएगी। और अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़े टाइम के अंदर ही ये वापस से आपका स्क्रीन की ब्राइटनेस डिम हो जाएगी और ये बैटरी सेविंग मोड में चला जाएगा। लेकिन इस आईफोन का डिस्प्ले कभी भी बंद नहीं होता है, तो ये एक नया फीचर इन्होंने ऐड किया है अपार्ट फ्रॉम डायनामिक आइलैंड एंड कैमरा इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों ये है iPhone 14 Pro का फर्स्ट लुक एंड अनबॉक्सिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और मैं जल्दी इसका वीडियो लाऊंगा कंप्लीट रिव्यू, जिसमें आपको और ज़्यादा डिटेल बताऊंगा इस फ़ोन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, बाय।